अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी आज लाइव आया हूँ। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक हो, और स्पेशल मुरादाबाद के लिए है। जितने भी मेरे भाई जुड़े इसे शेयर करें। मुरादाबाद वालों के लिए स्पेशल पैगाम है कि एक शख्स मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, जो कभी हमें बीजेपी का एजेंट बोला करता था, और हमें बीजेपी को मुबारकबाद जीत की पहले दे दिया करता था कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को जिताने आई है। तो आज मुरादाबाद के अंदर वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरे भाई मैंने देखा कल का प्रोग्राम, इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद में छलक छलक के आंसू गिर रहे थे कि मुरादाबाद वालों, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे गोद ले लो, मैं कौम का हमदर्द हूँ, ऐसी आवाज़ को लोकसभा में भेजो। तो सबसे पहले मेरे भाई, चंद लाइन उस गवैये के लिए जो अपने आप को कौम का रहनुमा कह रहा है मुरादाबाद में जाकर। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे लिए पैगाम है, मैं मुरादाबाद वालों के लिए पैगाम दे रहा हूँ, और इसको शेयर करें मेरे भाई, और मुरादाबाद वालों तक पहुँचाए, मुरादाबाद वालों तक पहुंचाए कि मुरादाबाद वालों, नसीम सिद्दीकी तुम्हारे लिए एक पैगाम दे रहा है। मुरादाबाद वालों, मैं तुमको ये बताने आया हूँ। मुरादाबाद वालों, मैं तुमको ये बताने आया हूँ, एक नौटंकी है जो तुमको बस नौटंकी दिखाने आया है। बात कौम की करता है, मगर फिर भी कौम को हराने आया है। कहता है बेटा हूँ मैं तुम्हारा, गोद ले लो मुझको तुम, उससे पूछो तो जरा फिर क्यों अपने बाप को हराने आया है। उससे पूछो तो जरा फिर क्यों अपने बाप को हराने आया है। क्यों इमरान साहब, आज मुरादाबाद की सरजमी पर जाकर तुम्हें एहसास हो रहा है कि कौम को एक आवाज, मैं प्रतापगढ़ का नहीं, मैं मुरादाबाद का हूं, कौम की एक आवाज पार्लियामेंट में भेजो। जब वही एक आवाज आज तुम राहुल गांधी की ताईद कर रहे हो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, अरे कौम की आवाज कौन से कांग्रेस लीडर ने उठा दी, इमरान प्रतापगढ़ी, या कौन से राहुल गांधी ने उठा दी? आज एक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो लोकसभा में मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी करते हैं, तुम जाकर जगह जगह पर हमें बदनाम करते हो, हमें बीजेपी का एजेंट बोलते हो। तो आज मुरादाबाद में तुम क्या करने गए, जब तुम्हें दिख रही थी कि मुरादाबाद के अंदर कौम की जीत हो रही है, कौम जीतने वाली है, तो फिर क्यों मुरादाबाद में जाकर तुमने गठबंधन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा? क्यों गठबंधन के खिलाफ गए? तुमको मालूम है कि मुरादाबाद की सीट निकलने वाली है, कौम जीतने वाली है, लेकिन तुम्हारे जाने से समीकरण खराब हो गया। आज वहां पर कौम हार रही है, और बीजेपी जीतेगी इमरान तो सिर्फ तुम्हारी वजह से जीतेगी, और तुम बीजेपी के एजेंट हो, हमें बीजेपी का एजेंट बोलने वालों। जाकर कह रहे थे कि मैं अखलाक के लिए गया, मैं मिन्हाज के लिए गया, मैं आपी जुनैद के लिए गया। अरे किसके लिए गए तुम? पैसे ले लेकर उनके गाने गाते गए, और टिकट लेकर रहनुमा बनने की बात कर रहे हो। मुरादाबाद वालों, तुम्हें यह सोचना होगा, ये शख्स जो तुम्हारे बीच में आया है, ये गठबंधन को हराने आया है, और गठबंधन जीत रही है, और इसकी वजह से आज समीकरण खराब है। अगर मुरादाबाद वालों, अगर तुम्हें अपनी कौम को जिताना है, तो गठबंधन का साथ देना होगा। इस इमरान को इसका जवाब देना होगा कि मुरादाबाद वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तुम मुरादाबाद आकर कौम को हराने के लिए आए हो। और तुम्हारे को मेरे भाई, मुरादाबाद वालों, मैं फिर से तुम्हारे लिए लाइव इसलिए आया हूँ, स्पेशल तुम्हारे लिए। मैं कोई गठबंधन का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी जमात का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गठबंधन को वोट करो, क्योंकि गठबंधन कामयाब होगी तो बीजेपी हारेगी, और कांग्रेस के लीडर इमरान को मुरादाबाद भेज देते हैं गठबंधन को हराने के लिए, बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, आज रो रो के तेरे अश्क बह रहे हैं मुरादाबाद में जाकर। मैं पहले भी कहता था मेरे भाई,
मैं पहले भी कहा था आपको कि ये रो रो के वो जुमलेबाजी करता है, कौम को गुमराह कर रहा है ये इमरान। और इमरान, इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं कि जिस तरीके से तू बाहर जाकर आज तू कौम की बात कर रहा है, तू ईमान की बात कर रहा है कि अपना ईमान नहीं बिकने दूंगा, अपनी जुबान नहीं बिकने दूंगा। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तो ईमान के लिए लड़ रही थी मेरे भाई, जब हम तुझे बीजेपी के एजेंट नजर आ रहे थे। आज तुझे ईमान नजर आ रहा है, मुसलमान नजर आ रहा है, और तू वहां जाकर जुमलेबाजी जुमलेबाजी क्यों गए मेरे भाई? गोद ले लो, प्रतापगढ़ से लेते इलेक्शन लड़ते तुम, प्रतापगढ़ वाले तुमको गोद ले लेते ना, मुरादाबाद वाले गोद ले ले, कि प्रतापगढ़ वालों ने भगा दिया तुमको। शर्म करो, शर्म करो, कौम के रहनुमा बनने वाले, कौम के हमदर्द, कौम को हराने पहुंच गए तुम मुरादाबाद। आज तुम्हारी वजह से मुरादाबाद फिर से बीजेपी की गिरफ्त में आ चुका है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे जाने के बाद मजबूत स्थिति में है, गठबंधन को नुकसान हो रहा है तुम्हारी वजह से। इमरान, तुम्हें सोचना होगा, तुम गठबंधन को मत बोलो कि अपना फैसला पीछे ले ले, अभी भी वक्त है। 23 अप्रैल को वोटिंग है, और मुरादाबाद अगर कौम के इतने रहनुमा बन रहे हो, कौम की तुम्हें इतनी फिक्र है, तो अब भी बोल दो पीछे हट जाओ, 23 अप्रैल को वोटिंग है, और कहो मुरादाबाद की आवाम से कि गठबंधन को वोट करे, बीजेपी को हराए, तब तुम असल मायने में रहनुमा बनोगे कौम के। अगर तुम उनको बिठाने की बात कर रहे हो, तुम्हारा समीकरण नहीं है, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस आज तुम अगर कांग्रेस की ताईत कर रहे हो या राहुल गांधी की ताईत कर रहे हो, तुम कह रहे थे उस समय, कल बड़े बड़े भाषण दे रहे कि नजीब के में कौन लीडर आया, मिनाज में कौन लीडर आया, पहलू खान में कौन लीडर आया, हाफिज जुनैद में कौन लीडर आया, तो आज तुम जिसकी ताईद कर रहे हो राहुल गांधी की, शरीयत में कौन लीडर आया, तो कांग्रेस का कौन सा नुमाइंदा गया वहां पर मेरे भाई आवाज उठाने? आज तुम अपनी जुबान से जो मर्जी बोले जा रहे हो, जिसकी ताईद कर रहे हो, पहले तुम उससे सवाल करो क्यों क्यों मिनाज की आवाज नहीं उठाई, क्यों पहलू खान की आवाज नहीं उठाई, क्यों हाफिज जुनैद की आवाज नहीं उठाई, क्यों मेरे भाई अफरोजुल खान की आवाज नहीं उठाई? कांग्रेस के लीडरों ने आवाज उठाई। आज तुम बोल रहे कि कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ। अरे इमरान, तुम कौम के रहनुमा हमदर्द नहीं हो, तुम कौम को बर्बादी के कागार पे ले जाने वाले शायर हो, शायरी करते करते। अरे मेरे भाई, चुनाव लड़ना था, गठबंधन जहां मजबूत स्थिति में है, और बीजेपी चाहती है हमारे नुमाइंदे लोकसभा में नहीं जाए, और वही काम तुमने कर दिया इमरान। वो तो शुक्र करो कि मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूं, तो इमरान मुरादाबाद में आकर तुम्हारी पोल खोलता और बताता। ये जो तुम्हारे नकली नकली आंसू गिर रहे सभाओं के अंदर, रो रहे तुम रो रहे वहां पर कि गए तुम्हारे यहीं दफन हो जाऊंगा, यहीं की मिट्टी में मिल जाऊंगा, मुरादाबाद के दिलों में बसने आया हूं, राज करने आया हूं। तुम मुरादाबाद में बसने नहीं आए, तुम मुरादाबाद को बर्बाद करने आए हो। आज जरूरत है बीजेपी को हराने की। आज तमाम तमाम ये पार्टियां इकट्ठी होकर सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को रोकना है, और तुम उसी मकसद में उन्हें नाकामयाब करना चाहते हो मुरादाबाद में जाकर। इमरान, आंसू बहाने से, आंसू गिराने से कुछ नहीं होगा, कौम की इतनी फिक्र है। तो मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं, SC ST हसन साहब का साथ दो, गठबंधन का साथ दो, अपने कदम पीछे खींचो, और मुरादाबाद की आवाम से जाकर कहो कि गठबंधन जीत रही है, अपनी कौम को जिताओ, बीजेपी को हराओ। तुम क्या बोलूं मेरे भाई इस शख्स को, जाकर जगह जगह ईमान वालों को, हम ईमान की बात करते थे तो बीजेपी के एजेंट नजर आते थे, आज जाकर कौम के बीच में कौम ईमान की बात कर रहे हो, इस्लाम की बात कर रहे हो। आज तुम बहुत अच्छे बन गए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले बात करे तो बीजेपी के एजेंट हैं। इन फिरका परस्त ताकतों से निजात पाना है तो सेकुलिज्म को बचाना है साहब, तो सेकुलिज्म बचाओ ना इमरान। आज सेकुलिज्म खतरे में है, मुरादाबाद की सरजमी पर खतरे में है सेकुलिज्म, इसको बचाओ इमरान। अपनी जुबान पे रहो, जो जुबान तुम्हारी थी कि सेकुलिज्म को बचाना है साहब, तो सेकुलिज्म को बचाओ इमरान। जरूरत है, मुल्क को जरूरत है बीजेपी को रोकने की।
आज मुरादाबाद हर जगह पर गठबंधन मजबूत है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुरादाबाद में कमजोर पड़ रही है गठबंधन, क्योंकि तुम वहां जाकर लोगों के बीच में ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, मैंने अपनी अम्मा से ऐसा बोल दिया, मेरी अम्मा उन्हों बोली, मेरी अम्मा बोली बेटा मरने की बात मत कर, तुम मरोगे, तुम मरोगे, अरे तुम कौम को बर्बाद कर दोगे। जाओ इमरान, मैं फिर से तुमको कह रहा हूं, मुहद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं इमरान तुमसे, कि मुरादाबाद से अपने कदम खींच लो, गठबंधन को जीतने दो, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा वहां पर कि बीजेपी की जीत की हार्दिक मुबारकबाद इमरान के आने से। तो ऐसा मत करो, तुम्हें कौम की फिक्र है, तुम अपनी शायरी करो, अरे अल्लाह तुम्हें इतने पैसे दे देता है शायरी कराने के, तुम्हारे अच्छे शौक पूरे हो जाते हैं, तुम्हारे सब कुछ पूरा हो जाता है, तुम अपनी शायरी करो मेरे भाई। लोकसभा में जाओगे तुम, सपने देख रहे, ऐसी आवाज को लोकसभा में भेजो, बेटा हूं तुम्हारा मुझे गोद ले लो। अरे अब बेटे हो तो बाप को हराने क्यों चले गए, पहले बाप की फिक्र करो कि बाप जीतेगा जब ही बेटे का घर चलेगा, बेटा जब कामयाब होगा, जब बाप कामयाब होगा तो बाप को कामयाब होने दो ना मेरे भाई, पहले अपनी कामयाबी का जश्न क्यों मना रहे तुम, अपनी कामयाबी के दुआएं क्यों कर रहे, कौम की कामयाबी की दुआ करो, अपने लिए लड़ रहे हो तुम, अपने लिए कौम के लिए नहीं लड़ रहे हो, कौम के लिए लड़ रहे होते तो किसी और सीट से लड़ते जहां पर गठबंधन नहीं थी, गठबंधन मजबूत नहीं थी, तुम ऐसी जगह से लड़ रहे हो जहां पर जरूरत है इस समय बीजेपी को रोकने के लिए, हमारे को हमारी तादाद चाहिए लोकसभा के अंदर, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तो लड़ सकती थी ना, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर मुरादाबाद में भी लड़ सकती थी, अमरोहा में भी लड़ सकती थी, मेरठ में भी लड़ सकती थी, हम क्यों नहीं गए लड़ने, क्योंकि हमें बीजेपी को रोकना था, हम बीजेपी के एजेंट नहीं है इमरान, अब तुम इस बात को कबूलो कि बीजेपी को कामयाब करने तुम गए हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें जलसे के अंदर मैं सुन रहा मेरे भाई, और लोग कह रहे शेर आया शेर आया, अरे मुरादाबाद वालों सोचो, अल्लाह ने तुम्हें एक सोच दी है, एक फिक्र दी है, सोचो अगर तुम वोटों का डिवाइडेशन करोगे गठबंधन हार जाएगी, इमरान तो जीत ही नहीं रहा और बीजेपी वहां से कामयाब हो जाएगी मेरे भाई, बीजेपी कामयाब हो जाएगी उस सोचो फिक्र के साथ मेरे भाई, मुरादाबाद वालों तक मेरे भाई, जो भी मेरे भाई इसको शेयर करे मुरादाबाद वालों तक मेरा पैगाम पहुंचाए कि मुरादाबाद वालों इत्तेहाद की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, आपसी में मत बटो, फिरके बिरादरी में मत बटो, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ो, गठबंधन मजबूत है, गठबंधन को वोट करो, गठबंधन के नुमाइंदों को जिताओ, ये इमरान नाम का शख्स सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए मुरादाबाद में पहुंचा है। और फिर से मैंने इसके लिए हर जगह पर एक बात बोली मेरे भाई, कि घड़ियाली आंसू बहा बहा कर, कौम की बातें सुना सुना कर ये अपना बैंक बैलेंस भरता चला गया, आज बहुत पैसे हो गए, लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे, चमचागिरी करके तलवे चाटकर महाराष्ट्र की सरजमी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालफत करने वाले इमरान, आज तू चमचागिरी कर कर टिकट भी ले आया, लेकिन याद रख मुसलमानों की दुआएं तेरे साथ नहीं हैं, तू सेकुलिज्म को बचाने निकला था, सेकुलिज्म को क्यों बिगाड़ रहे हो साहब, साहब याद करो अपने जुमले कि सेकुलिज्म को बचाना है साहब, इसके लिए आपको इकट्ठा होना होगा, हुए ना समाजवादी वाले इकट्ठे, हुए ना बहुजन समाज वाली इकट्ठे, और आज तुम उनके खिलाफ, आज तुम्हें याद आ रहे कि मायावती ने उसको राखी बांधी, मायावती ने उसको सपोर्ट करा, मायावती बीजेपी के साथ, और जब तुम उसी विधानसभा के इलेक्शन के अंदर 2017 के अंदर 2000 जब विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जब तुम मायावती की ताइक कर रहे थे बहन जी को वोट करो, आज अखिलेश बुरा लग रहा तुमको, उसी अखिलेश के लिए तुम जब समाजवादी के लिए प्रचार कर रहे थे जब अखिलेश बुरा नहीं था, आज कांग्रेस ने टिकट दे दी तो मायावती भी बुरी, अखिलेश भी बुरा, एक तुम ही दूध के धुले बन गए, एक राहुल गांधी सच्चे हो गए और तुम सच्चे हो गए, जब तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, जब हम चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वालों को वोट मत दो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो, तो तुम आकर उत्तर प्रदेश में हमको बीजेपी का एजेंट बता रहे, तुम महाराष्ट्र में जाकर हमको बीजेपी का एजेंट बता रहे, तुम जहां जाते वहां बीजेपी का एजेंट बता रहे, अब तुम क्या कर रहे, अपने अब्बा को हराने गए,
अपनी कामयाबी के लिए गए तुम, तुमको पता है वहां कामयाब नहीं होने वाले तुम, हमारे वोटों का डिवाइडेशन कर रहे हो तुम, कौम को गुमराह कर रहे हो, कौम को बदनाम कर रहे हो, अब भी वक्त है, तुम SC ST हसन साहब को मत बोलो कदम पीछे खींचो, इमरान मैं तुमसे कह रहा हूं 23 अप्रैल को वोटिंग है, 23 अप्रैल से पहले अपने कदम खींच लो, आवाम को जाकर बोलो कि गठबंधन को वोट करें, मैं नहीं जीत रहा, BJP को रोकना है, इसलिए हमें एक होना होगा, इत्तेहाद में आना होगा। इमरान असल मायने में जब तुम कौम के रहनुमा बनोगे, अगर मुरादाबाद से BJP जीत गई तो याद रखना कौम को बर्बाद करने की सारी जिम्मेदारी तुम पर है और तुमने ठेका लिया, उस ठेका अगर वो BJP वहां जीत जाती है तो आवाम और मुसलमान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा इमरान, तुम्हारी शायरी से भी नफरत करेंगे लोग। जिस धंधे को तुम चला रहे हो उस धंधे को जोरों से चलाओ, बहुत अच्छा सुन रहे, अल्लाह का करम है तुम्हारे साथ कि लोग तुमको सुन तो लेते कम से कम, तो जाओ मेरे भाई वापस खींचो। और मुरादाबाद वालों तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि सोचो, फिक्र करो, सोचने की जरूरत है और वक्त की जरूरत है, BJP को रोकना है तो एक होकर वोट करो, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो, 2014 की तरह नहीं मेरे भाई, 2014 में आपने देखा एक भी नुमाइंदा हमारा लोकसभा में उत्तर प्रदेश से चुनकर नहीं गया, उस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हमारी सबसे ज्यादा आबादी, सबसे बड़ी आबादी, उस जगह से हमारी कोई आवाज लोकसभा में नहीं पहुंचती है सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग वोटों का डिवाइडेशन कर देते और हमारे लोग वोटों में बिखर कर नाकामयाब हो जाते हैं, और लोकसभा में इस वक्त जरूरत है हमारी, हमारी तादाद की, हमारे लोगों की। और आप लोग दुआ करिए कि जो जो नुमाइंदे मजलिस के लिए लड़ रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ करिए मेरे भाई, क्योंकि वो असल मायने में BJP को रोकने के लिए निकले हैं, अख्तरुल ईमान साहब BJP को रोकने के लिए निकले हैं, इम्तियाज जलील साहब BJP को रोकने के लिए निकले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब BJP को रोकने के लिए निकले हैं, और प्रकाश अंबेडकर साहब BJP को रोकने के लिए निकले। इन नुमाइंदों के लिए दुआ करो और ऐसे लोगों से मुरादाबाद वालों दूर रहो। और मुरादाबाद वालों तक मेरे भाई जो भी मुरादाबाद के लोग हैं जुड़ रहे हैं तमाम लोग, ये वीडियो इमरान तक भी पहुंचा दे कि नसीम सिद्दीकी ने तुझको पैगाम दिया है कि पैर पीछे खींच ले, कौम को कामयाब होने दे, एक नुमाइंदा मुरादाबाद से लोकसभा में जाने दो, तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती, तुम्हारे को लोग नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती वहां जाकर कौम को गुमराह कर रहे हो, वोटों का डिवाइडेशन कर रहे हो, BJP को मजबूत कर रहे हो। इसी बातों से मेरे भाई मुरादाबाद वालों इसके बहकावे में मत आओ और इसको बोलो, एक आवाज बनकर बोलो, इसके आंसुओं पे मत जाओ मेरे भाई, ये घड़ियाली आंसू मुरादाबाद वालों तुम्हें बर्बाद कर देंगे, BJP फिर से तुम्हारे पर काबिज हो जाएगी, BJP फिर से तुम्हारे ऊपर सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में BJP बहुत कमजोर हो चुकी है और उस कमजोर को और कमजोर बनाओ, ना कि आपस में वोटों को डिवाइड कर उसे ताकतवर बनाओ मेरे भाई, खुदा के लिए मेरे भाई समझो, अच्छा दिन है, जुम्मे का दिन है, दुआ करो कि हमारे नुमाइंदे लोकसभा में जाए, हमारे वोटों का डिवाइडेशन ना हो, इमरान को समझाएंगे और इमरान को बताएंगे कि बस 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 करो इमरान, जाओ अम्मी के गोद में बैठो, प्रतापगढ़ में जाओ, अम्मी से फोन पे बात ना करो, प्रतापगढ़ में जाकर बैठो, प्रतापगढ़ वालों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मुरादाबाद वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुरादाबाद वालों को अपने नुमाइंदे की जरूरत है, मुरादाबाद को गठबंधन की जरूरत है। मैं किसी पार्टी की ताईत नहीं करता मेरे भाई, सिर्फ मेरे कायद ने अगर बोला है गठबंधन को वोट करे तो सिर्फ इसलिए बोला है कि BJP को हराने के लिए, ना कि किसी पार्टी की मैं ताईत कर रहा हूं। मैं मजलिस का सिपाही था, मैं मजलिस का सिपाही हूं, मैं मजलिस का सिपाही रहूंगा, और इंशाअल्लाह आप लोग मुरादाबाद वालों समझोगे इस बात को, यकीनन समझोगे आप इस बात को। और मेरा पैगाम आप सभी के लिए, अपने वोटों का डिवाइडेशन ना करो, गठबंधन को वोट करो, और इमरान को जाकर हर सभा में बोलो, इमरान बैक प्रतापगढ़ी, बैक करो उसे प्रतापगढ़ में, उल्टा भेजो कि जरूरत नहीं है तुम्हारी। शायर समझ में आया तेरे को इलेक्शन कैसे लड़ते, आंसू निकल रहे अब, अपनी हार नजर आ रही, तू अपनी हार के साथ साथ गठबंधन को भी हरा रहा, BJP को जिता रहा, आज समझ में आ रहा तेरे को कि कौम की रहनुमाई कैसी होती है, कौम का दर्द समझ रहा तू आज। इससे पहले हम लोग जा जाकर पैगाम दे रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो तेरे को BJP के नजर आ रहे, आज ईमान की बातें कर रहा कि ईमान नहीं बिकने दूंगा, ईमान के साथ लड़ रहा हूं, ईमान वाला हूं। हम लोग क्या बेईमान नजर आ रहे थे तेरे को, हम बेईमान नजर आ रहे थे तेरे को,
शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो और जाओ गठबंधन का साथ दो। राहुल गांधी जी से वो बोलो कि सर बीजेपी जीत जाएगी यहाँ पर, इसलिए मैं अपनी पर्चे को वापस लेता हूँ और मैं गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ। नौटंकी मत दिखाओ, नौटंकी मत दिखाओ मेरे भाई, और समझो इस बात को, खुदारा मेरे भाई समझो। मैं आप लोगों को, मैं कांग्रेस की ताईत कभी जिंदगी में नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि कांग्रेस की ताईत करने वाले इमरान से सवाल करो कि आज तुम्हें कौम की फिक्र हो रही है। अगर कांग्रेस को कौम की फिक्र होती तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती इमरान प्रतापगढ़ी। अगर कांग्रेस को फिक्र होती तो मुरादाबाद के ईदगाह में मुरादाबाद वालों की लाशें नहीं बिखरती इमरान प्रतापगढ़ी। अगर कांग्रेस को कौम की फिक्र होती तो गुजरात में कत्लेआम नहीं होता इमरान प्रतापगढ़ी। अगर कांग्रेस को कौम की फिक्र होती तो इतने फसादात मुल्क के अंदर नहीं होते इमरान प्रतापगढ़ी। अगर कांग्रेस को कौम की फिक्र होती तो आरएसएस हिंदुस्तान में नहीं रहती मेरे भाई। अगर कांग्रेस को मुसलमानों की फिक्र होती तो 50,000 से ज्यादा फसादात और उत्तर प्रदेश बर्बाद नहीं होता। आज कांग्रेस की ताईत करने में लगे, कौम की बात कर रहे, जरा देखो पलट के, पलटो इतिहास के पन्ने, पलटो पीछे जाओ और देखो कि कांग्रेस ने मुसलमानों को किस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया। वही कांग्रेस की कमेटियां बनाई हुई, सच्चर कमेटी, महमदुर रहमान कमेटी, कुंडू कमीशन कमेटी, क्यों कहती है कि हम दलितों से भी बदतर जिंदगी जी रहे, और तुम आज उसकी ताईत कर रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद का फैसला लबैक होगा। और मेरे कायद ने कहा है कि ना राहुल गांधी ना मोदी, सरकार ऐसी बनेगी जिससे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को खुशहाली होगी, हिंदुस्तान का विकास होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और इमरान समझो, शुक्र करो कि मैं मुरादाबाद में नहीं आ रहा और मेरी पार्टी नहीं लड़ रही। नहीं तुमको तो मैं कौम का रहनुमा, कौम का हमदर्द मैं बताता तुमको कि तुम कितने बड़े कौम के हमदर्द हो। इतनी बातें, आंसू भारे तुम, हवा खराब हो गई, निकलेंगे अभी इमरान, अभी थोड़े आंसू निकले हैं, 23 तारीख तक आते आते तुम्हारे आंखों में पानी सूख जाएगा, आंसू नहीं बचेंगे, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता है कि तुम कमजोर हो, तुम नहीं जीत रहे। इसलिए अब भी कौम को वहां पर गुमराह मत करो और वापस बैक प्रतापगढ़ जाओ और गठबंधन को वोट कराओ। आप लोग भी मेरे भाई, मुरादाबाद की आवाम तक ये पैगाम पहुंचाए, मुरादाबाद वालों, जो जो मुरादाबाद में रहता है, जो भी जिसके रिश्तेदार मुरादाबाद में रहते हैं, उनको बताओ कि तुम्हें बटना नहीं है, तुम्हें एक होकर लड़ाई लड़नी है, तुम्हें एक होकर बीजेपी को रोकना है, तुम्हें एक होकर अपना नुमाइंदा लोकसभा में भेजना है, तुम्हें एक होकर ऐसी ताकत को रोकना है जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहती है, तुम्हें एक होकर नरेंद्र मोदी को रोकना है, योगी को रोकना है, इन बीजेपी के नुमाइंदों को रोकना है। जब तुम एक नहीं होगे तो तुम्हारी आवाज ऐवानों में नहीं जाने वाली, और फिर कोई बीजेपी वाला तुम्हारे विकास की बात नहीं करने वाला। बीजेपी ने खुलकर कह दिया है कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, ना हम उनका काम करेंगे ना हमें उन्हें वोट चाहिए। तो अपना काम करवाना है तो अपने नुमाइंदों को भेजो, अपनी आवाज उठानी है तो अपने नुमाइंदों को भेजो। दो तरफ जाओगे, मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहा था हमें बदनाम करने वालों से कि मोदी के दो दूल्हा भाई यूपी में खड़े कर दिए गए और घोड़े पे सवार दूल्हा जीत कर नहीं निकला, खच्चर पे सवार दूल्हा जीत कर निकल जाता है। तो इसलिए दो जगह जाओगे तो बीजेपी को जिताओगे। तो यकीनन मेरे भाई, यकीनन मैं मुरादाबाद वालों तुम्हारे लिए लाइव आया हूँ और तुम तक ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि इमरान को समझाओ, गठबंधन को वोट करो, बीजेपी को रोको, ऐसी सरकार मत बनने दो जो तुम्हें बर्बाद कर दे, जो तुम्हें नोटबंदी के नाम पर लूट ले, जो तुम्हें जीएसटी के नाम पर लूट ले, जो तुम्हें नौकरियों के नाम पर लूट ले, जो तुम्हें मेरे भाई स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट ले। कुछ भी नहीं मिलने वाला, अपना होगा अपनी बात करेगा, गैर का होगा गैरों की बात करेगा। तो अपने लिए सोचो, अपनों की कामयाबी के लिए सोचो।
इसी बातों से अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं, पर मुरादाबाद की आवाम समझदार है। मैं मुरादाबाद रहकर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना यूपी के इलेक्शन में, और मुरादाबाद की आवाम एक होकर वोट करेगी, गठबंधन के समर्थन में वोट करेगी। कांग्रेस के इस एक नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है तो कांग्रेस में एक जुमलेबाज, एक नौटंकी नरेंद्र मोदी, एक नौटंकी इमरान को इन्होंने पकड़ लिया। कांग्रेस के पास भी नौटंकी बाज है, ये जहां जहां जाए मेरे भाई, इससे बस यही सवाल करते रहना कि कांग्रेस की ताईत करोगे तो जवाब दो कि आखिर मुसलमानों के हालतों का जिम्मेदार कौन है हिंदुस्तान में, हमें बर्बाद किसने किया हिंदुस्तान में, हमारी हालत ऐसी कैसे हो गई हिंदुस्तान में, कांग्रेस को हमने ही तो जिताया हमेशा। तो इस बार मेरे भाई एक होकर वोट करो, और ऐसे नौटंकी के साथ मत चलो, इसको जवाब दो और एक होकर वोट करो, मुरादाबाद के जीत के लिए वोट करो। तुम्हारा वोट तुम्हारा अधिकार है और मुरादाबाद की जीत तुम्हारे लिए अहमियत रखती है, क्योंकि वो सीट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, मुरादाबाद के तमाम लोगों के लिए वो सीट बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।